देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। आज भी अगर कोई शान और शौकत बघारता है तो लोग उसे कहते हैं नवाब हो क्या। आज भी लखनऊ अपनी तहजीब के लिए मशहूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में तहजीब ने जैसे नफरत का रंग ले लिया और देखते ही देखते पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया। ये एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। ये साजिश थी या लापरवाही, इसका फैसला तो जनता जनार्दन को करना है, लेकिन हंगामे के बाद जो तथ्य सामने हैं वो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। लखनऊ में दो तरह के प्रदर्शन होने थे, एक समाजवादी पार्टी का और दूसरा बुद्धिजीवियों का, जिनका 19 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन करना तय था। बुद्धिजीवियों और संस्थानों का प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी से अलग होना था। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर योगी सरकार को घेरने का मन बना चुकी थी। अब चलिए कानून व्यवस्था की बात करते हैं। ऐसा नहीं था कि यूपी सरकार की इंतजामिया को इस बात की भनक नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में किसी भी वक्त उपद्रव बढ़ सकता है। अयोध्या फैसले के बाद जिस हिसाब से यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था को कायम रखा, इससे दुनिया के लोगों ने यूपी पुलिस की वाहवाही की थी। पुलिस ने इस बार भी तैयारियां पूरी कर ली थी। 19 दिसंबर के विरोध प्रदर्शन को रोकने के बेहतरीन इंतजाम थे। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने एक दिन पहले शांति कायम रखने और किसी भी प्रदर्शन में नहीं निकलने का वीडियो संदेश जारी किया था। लखनऊ के हजरतगंज और कैसरबाग के दरमियाना परिवर्तन चौक चौराहे पर एनआरसी और कैब कानून के विरोध में प्रदर्शन की कॉल की गई थी, जिसके मद्देनजर ऐसे किसी प्रदर्शन की इजाजत न देकर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी। लखनऊ का परिवर्तन चौक छावनी में तब्दील हो गया था। दोपहर 2 बजे के बाद लगने लगा कि यहाँ सिर्फ बुद्धिजीवियों की मामूली तादाद ही नहीं बल्कि आम पब्लिक की बड़ी तादाद पहुँचेगी। शासन प्रशासन की पहली बड़ी चूक यही रही, उसके खुफिया तंत्र को यही नहीं पता था कि यहाँ प्रदर्शनकारी के रूप में लगातार हजारों की तादाद में लोग आना शुरू हो जाएंगे। पुलिस ने फैसला कर लिया था कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने देंगे, लेकिन पुलिस ने इंतजाम के तहत बहुत बड़ी भूल कर दी। जिस जगह पर प्रदर्शन होना था वहां से 6 रास्ते लखनऊ के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। पुलिस ने 6 में से 4 रास्तों पर तो सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया, लेकिन 2 रास्तों को हल्के में ले लिया और वहीं उनसे सबसे बड़ी चूक हो गई। इन दोनों रास्तों से पुराने लखनऊ के मुस्लिम बहुल इलाकों से लगातार भीड़ आती रही। इस भीड़ में ही शामिल उपद्रवियों ने करीब 1 घंटे तक आतंक का नंगा नाच किया। दर्जनों वाहन जला दिए, जिसमें आज तक न्यूज चैनल की ओबी वैन को भी राख कर दिया गया। इतना ही नहीं, पत्थर और शीशे की घातक बोतलों से पुलिस पर हमले भी किए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब परिवर्तन चौक के सारे रास्ते ब्लॉक पर पुलिस हर जगह तैनात थी, तो उन चंद रास्तों को क्यों फ्री छोड़कर वहां से पुलिस नदारद रही। एक समुदाय की इतनी भीड़ 1-2 रास्तों से लगातार पहुंच रही थी, इस बात की जानकारी क्या पुलिस को नहीं मिली? क्या सच में पुलिस इस बात से बेखबर थी कि आखिर भीड़ कौन से रास्ते से आ रही है? सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल अभी वक्त है तहजीबों के शहर लखनऊ को फिर से आबाद करने का, और ये जिम्मेदारी किसी एक समुदाय के कंधों पर नहीं है, हम सब पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।